अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंसारी सुहेल और मैं नदीम खान। तो अगर आपको हमारे YouTube चैनल जायका है भाई पे सीन्स कुछ ऐसे। सेकंड लोकेशन अल बैक आ चुके हैं, हमारे पीछे देख सकते हैं अल बैक। और यहाँ से क्या बताया कबाब ज़्यादा है, तो वही चल के खाएंगे। अफगानी कबाब थे, चिकन के होते हैं और यही हमें बता रहे हैं सबसे ज़्यादा मशहूर है यहाँ पे और रश भी बहुत ज़्यादा। चलते हैं देखते हैं कि भाई कबाब कितने के हैं, क्या टेस्ट के कैसे बनते हैं, आपको दिखाते हैं खाते हैं। चलो आओ, चलो खाते हैं। फिलहाल ये आ चुके हमारे कबाब, ये हमारी सेकंड लोकेशन है भाई अल, और यहाँ के चिकन कबाब जो कि स्पेशल है। हमारे नाम वो थे मलाई टिक्का, कैसे लग रहा है ये काफ़ी महंगा और ये सस्ता है। ये 30 रुपये एक कबाब है जो कि बहुत फेमस है यहाँ, काफ़ी जूसी कबाब है, चिकन टेस्ट भी बहुत अच्छा है। 30 रुपये सारी चीज़ में अगर बात करें तो एक तो लूची पूड़ी दूसरी चीज़ ये बनी कबाब बिरयानी का भी बड़ी चीज़ें नहीं। हाँ खुश हो गया खाकर। इनके पास और भी चीज़ें हैं जैसे कबाब रोल हो गया, चिकन रोल हो गया, एग रोल हो गया। लोग ज़्यादातर ये पसंद करते हैं कबाब रोल, कबाब खाना देख सकते हो। हमारी डे टू सेकेंड लोकेशन हो गई है, अभी अंधेरा हो चुका है। हमारे लोकेशन बहुत दूर दूर है हमारे लोग। हाँ डेली हमें 30-40 मिनट ट्रैवल करते बाइक से, बाइक से जाते हैं तो सुबह शाम जाते हैं आने आने में। लोकेशन वहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, पहले 35 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर दूर आए यहाँ से, दूसरी जगह जाना होगा 4-5 किलोमीटर दूर, फिर उसके बाद घर जाना वहाँ पर बहुत काफ़ी लंबा पड़ जाता है। डेली का ट्रैवल पड़ जाता है 100-150 किलोमीटर ट्रैवल पड़ जाता है डेली का। तो बस अब यही कबाब सेकंड लोकेशन हमारी यही थी अल बैक। जो आगे यार कबाब एक नंबर कहता ना, एक नंबर कबाब है और ज़्यादा नहीं 30 रुपये एक प्राइस, मतलब मज़ेदार है। अगर आप खाओगे तो लगेगा कि कुछ खाया है। अगर आओ तो फोन करता हूँ अल बैक, कोलू टोला में जरूर आना खाने के लिए। चले वैसे भी है नहीं यहाँ पे।